चली पोले बा यू कैन नॉट डाई ओ भाई यस यस ये वैष्णव मैं बाय एनी चांस तुम भगवान हो हेलो गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में और आज हम लेके आए कल की 2898 एडी के अश्वथामा इंट्रोडक्शन का रिएक्शन। सो अश्वथामा जो है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो और ये मेरे को हमें पता है कि अमिताभ बच्चन सर है, तो यार ये बहुत कमाल का होगा बिकॉज उनका पोस्टर मैंने देखा था एंड उसमें उन्होंने पूरा एक थोड़ा वो मास्क रहेगा कह सकते हो जैसे जवान में हमने देखा है वैसा कुछ लगा रखा था, तो अभी यहाँ पे उनका क्या रूप निकल के आता है वो देखने का होगा। और ये अपकमिंग प्रभास की मूवी है और इसका भी बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक थोड़ा मॉडर्न टच दिया गया है थोड़ा कह सकते पुरानी हिस्ट्री के साथ। अश्वथामा तो ऑफकोर्स पुराना नाम है लेकिन 2898 में स्टोरी कुछ बेस्ड है। अश्वथामा को तो शायद आजीवन जीने का श्राप मिला था ना, वही अश्वथामा है ना, शायद वही अब वही पता लगेगा क्या है। और साथ में इस मूवी में इनका और क्या रोल होता है तो देख लेते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमिताभ सर की आवाज आई है। वाओ। हाय। शिवा। क्या लुक है। आई एम राया। नी पेरेंटी। ओह। कितना यंग लगता। जनरेशन गैप पर लगता। सेम्मा ये फाइट करने गए। निम्मन्ना रेडर्स शूट मारे दो। You cannot die, oh, भाई। Yes, yes, ये वैष्णव है। By any chance, तुम भगवान हो? क्या सुनाओगे? अब मेरा समय आ गया है। मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। असल एवर नवू। द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर। ओह। अश्वत्थामा। ओह। बड़ी थी उनके पास। वापर युग से वेट कर रहे हैं। कल की ये अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। अश्वा अंकल, द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। सो ऑफ कोर्स जो तू कह रही थी अश्वथामा जो कभी नहीं मरे उनको वो मिला हुआ श्राप मिला हुआ, तो वो शायद अब इतने टाइम बाद अब वापस वो अपने मेकअप से अपनी पावर्स में आ रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ निकाला गया है कि वो कैसे अपनी पावर्स का यूज करेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, सच में। और ये जो यंग लड़का था मुझे लग रहा है कि ये अभी का ही कोई टाइम होगा। मे बी आई वी कैन जस्ट अज्यूम, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये फिर अपनी स्टोरी बताएंगे कि ऐसा हो गया या ऐसा हुआ था। और पर सब ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये चीज समझ नहीं है अंतिम बैटल कौन सा है, ये लास्ट कौन सी लड़ाई है ये। वही मेरे ख्याल से अभी सारा भी धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगे। ये बहुत आइकॉनिक लग रहे थे अमिताभ सर, और जो यंग लुक जैसे हमने देखा वो मूछ वूछ थी, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा वो महाभारत के टाइम का भी शायद कुछ दिखा सकते हैं। वो यंग लुक तो बहुत स्ट्रेंज थी बिकॉज अमिताभ सर को तो हमने इतना वैसे देखा हुआ है ना, हमेशा उनको रोज भी वैसे ही मिलते थोड़े ओल्ड वाले, पर वो यंग लुक में इतना मस्त लग रहे थे। अभी वो ऑफकोर्स सीजीआई के थ्रू किया गया होगा एंड यहाँ पे उनका जो वो यहाँ पे भी रूप था तो वो मेरे ख्याल से अभी भी वो पूजा में कहीं लगे होंगे एंड वो कहीं से जागे या शायद इस बच्चे ने जगाया और अब वो फिर चल पड़े, तो मजा आएगा देखने में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करिए।